हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवीना नीटिंग। आज देखिए, एक कलर में हम ये वाला पैटर्न बनाना सीखेंगे और बहुत ही प्यारा और सुंदर पैटर्न है और गर्मियों के लिए ख़ास तौर पर ये पैटर्न है और गर्मियों के सीज़न में आप इसे बनाइए ऐसे कॉटन यार्न में। यहाँ पर मैंने कॉटन यार्न यूज़ किया है और 10 नंबर की सिलाई ली है कॉटन यार्न में। देखिए बहुत प्यारा बनकर आया है। इससे आप टी शर्ट वगैरह बना सकते हैं, शॉल बना सकते हैं, स्टॉल बना सकते हैं या बच्चों की फ्रॉक में भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा और सुंदर बनकर आता है। दो ही सिलाई का हमारा पैटर्न है, दो ही सिलाई में हमारा पैटर्न बनकर तैयार हो जाता है। राइट साइड से स्टार्ट होगा। तो चलिए इसके फंदों का हिसाब लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 4 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं। तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में इस डिज़ाइन को बनाएं, 4 के मल्टीपल से फंदे लें और 2 फंदे एक्स्ट्रा रखें, तो आपका पैटर्न बिल्कुल फिट आएगा। जैसे कि मैंने बताया कि राइट साइड से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड, इस पैटर्न को बनाते हैं। और देखिए, इस पैटर्न की सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों साइड से एक सा दिखाई देता है। देखिए, ये इसका राइट साइड है और ये इसका रॉन्ग साइड है और दोनों ही साइड से ये एक सा ही बनता है। इसकी दोनों सिलाइयाँ सेम बनेंगी। तो चलिए इस पैटर्न को बनाना सीखते हैं। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर 4 के मल्टीपल से फंदे लिए हैं, 2 फंदे एक्स्ट्रा रखे हैं, तो टोटल हमारे ये 18 फंदे हैं। ध्यान से देखिएगा, पहली सिलाई से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। देखिए, एक फंदा हम स्टिच का सीधा बुन लेंगे। देखिए, अब 2 फंदे हम और सीधे बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, जाली बनाते हुए देखिए 2 फंदों को ऐसे सामने से एक कर देंगे। देखिए, अब फिर से हम यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न बन गया। यही रिपीट होगा बार बार, यही 4 फंदों का पैटर्न। देखिए, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, जाली बनाते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, जाली बनाते हुए देखिए सामने से हमें 2 फंदों का ऐसे एक करना है। देखिए इस तरीके से, अब फिर से 2 फंदे बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, जाली बनाते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। ये देखिए, लास्ट का फंदा स्टिच का ऐसे सीधा बुन लेंगे। तो सिलाई कंप्लीट हो गई। उल्टी सिलाई भी सेम ऐसे ही बुनेंगे। देखिए, स्टिच के फंदे को सीधा बुनेंगे, 2 फंदे हम और सीधे बुनेंगे, ये जाली वाला देखिए इसे सीधा बुन लेंगे। अब जाली बनाएंगे और 2 फंदों को सामने से ऐसे एक कर देंगे। फिर से देखिए, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, जाली बनाते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, जाली बनाते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, जाली बनाते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। लास्ट का फंदा सीधा बुन लेंगे। तो देखिए, एक बार फिर से देखिए, एक फंदा सीधा बुनेंगे, 2 फंदे और सीधे बुन लेंगे। अब देखिए, धागा आगे लाएंगे, जाली बनाते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, जाली बनाते हुए 2 फंदों का एक करेंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, जाली बनाते हुए 2 फंदों का एक करेंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे, जाली बनाते हुए 2 फंदों का ऐसे सामने से एक कर देंगे। लास्ट का फंदा सीधा बुन लेंगे। उल्टी सिलाई सेम उसी तरीके से बुनेंगे। देखिए, 3 फंदे बुन लेंगे यहाँ पर। देखिए, धागा आगे लाएंगे, जाली बनाते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे, जाली बनाते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे, जाली बनाते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे, जाली बनाते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। लास्ट का फंदा सीधा बुन लेंगे। तो देखिए, यही 2-2 सिलाई हमारी रिपीट होती जाएंगी और हमारा पैटर्न इस तरीके से बनेगा। देखिए, और जब हम बार बार इन्हीं 2 सिलाई को रिपीट करेंगे तो हमारा पैटर्न देखिए इस तरीके से बनकर आ जाएगा। ये पैटर्न हमारा देखिए, और कितना सुंदर और प्यारा सा लग रहा है हमारा ये डिज़ाइन। और बहुत ही ईजी पैटर्न है, बिगेनर्स भी इसे आराम से बना सकते हैं। और इसे आप कॉटन यार्न में बनाइए
बहुत ही प्यारा और सुंदर बनकर आएगा। वैसे तो आप इसे किसी भी बुल में बना सकते हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि समर सीजन है तो हम इसे कॉटन यार्न में बनाएंगे, तो ये बहुत ही प्यारा बनेगा और इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये डिज़ाइन? अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आप मिस नहीं कर पाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए डिज़ाइन के साथ फिर से आप लोगों की खिदमत में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।